हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फरज कुकिंग चैनल में आज हम नमकीन गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं। आप मेरे चैनल पर मज़ीद रेसिपीज देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। रेड मीट, गोश्त, आप मटन का या बीफ का ले सकते हैं 1 kg, एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 3 अदद हमें टमाटर चाहिए होंगे, आप इनका छिलका उतार लें, जिंजर और गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons, कटी हुई हमें ग्रीन चिली चाहिए होगी, दही 2 teaspoons, यहां खड़ा मसाला जो बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम, सब्ज इलायची, ग्रीन कार्डमम और स्टार अनीस और 5 से 6 अदद हमें लौंग या क्लोव्स का हमें चाहिए होगा। इसके साथ साथ जो स्पाइस चाहिए होंगे वो भी नोट कर लें, क्योंकि ये नमकीन गोश्त है इसमें हम रेड चिली और हल्दी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर जो स्पाइस चाहेंगे वो भी आप नोट कर लें। ब्लैक पेपर 1 teaspoon, साल्ट 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon, धनिया ये मोटा मोटा कूटा हुआ 1 tablespoon, साबुत जीरा इसको भी आप कूट लें 1 teaspoon। मैं इसको बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि कुकर में ये बहुत जल्दी और आसानी से गल जाता है गोश्त। इसके साथ साथ 1/2 cup ऑयल या फिर घी का चाहिए होगा। इसको बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, कुकर में ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाएगी। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। कुकर के अंदर गोश्त डाल दें। यहाँ जो हमने ब्लैक कार्डमम, क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम ली थी वो हम अंदर डाल देंगे। जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। 1/2 teaspoon हम इसके अंदर साल्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 cup पानी डालकर हम कुकर को चला देंगे। कुकर को बंद कर देंगे। अब विसल चलने के बाद हमें इसको 15 मिनट के लिए चलाना है। 15 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे। अलग से एक बर्तन लेके उसके अंदर 1/2 cup ऑयल या घी डाल दें। इसके अंदर ये कटा हुआ प्याज डाल दें। अब इस प्याज को हमने 5-7 मिनट लाइट गोल्डन करना है। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुकर से जो ये गोश्त हमने निकाला है ये डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनें। अब इसके अंदर जो टमाटर है इनको काट के डाल दें। थोड़ा
साथ ही इसके अंदर हम ये स्पाइस डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूनें अच्छी तरह। 2 टीस्पून इसके अंदर दही डाल दें। सात मिनट भूनने के बाद अब आंच को मीडियम कर दें और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखें। अब इसके अंदर अगर कुकर के अंदर ग्रेवी बची है तो वो इसके अंदर डाल दें। साथ ही 1 कप पानी डाल दें। ग्रीन चिली डाल दें। चिली अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये आप पहले भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। लास्ट में इसके अंदर धनिया डाल दें। नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार है। आप इसको नान, रोटी या चावलों के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।